जीजी माँ अब माँ से बच्ची बन गई है, करीब 12 साल की बच्ची। हालांकि वो बर्ताव तो कर रही है 5-6 साल के बच्चों की तरह। घर पर शोक का माहौल है क्योंकि गायत्री की मौत हो गई है और उसी की शोक सभा में सब सफेद कपड़ों में बैठे हैं। मगर जीजी माँ आते ही अपनी सास उत्तरा देवी से लिपट कर उसे माँ कहकर पुकारती है और फिर बच्चों की तरह कई सवाल भी करती है। गायत्री की तस्वीर पर पहनाया हुआ सुखड़ का हार निकालकर उत्तरा देवी के गले में डाल देती है। और फिर खुश भी हो जाती है। मगर सवाल तो ये है कि आखिर जीजी माँ फाल्गुनी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि ये वैसे किसी ने नहीं किया है, उत्तरा देवी का दोष नहीं है इस बार। इस बार भगवान जी खुद चाहते थे कि मैं बच्ची बन जाऊँ, तो उन्होंने बिजली चमकाई और बिजली मुझ पे गिर जाती है और मैं बच्ची बन जाती हूँ। फाल्गुनी की हरकतों को देखकर सुयश को बहुत गुस्सा आ गया। आएगा ही, क्योंकि बीवी बच्चा बन गई और ऊपर से उसने सुयश के तरह तरह के नाम भी रख दिए। तो सुयश आता है, उसे गुस्सा करता है और वो रोने लग पड़ती है और सुयश उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसको बोलती है, दाढ़ी वाला बाबा गंदा सा, भूत कहीं का, डरावना कहीं का, भाग जाओ यहाँ से। उसको बिल्कुल नियति बिल्कुल नहीं पसंद। तो हाँ, तो वो फिर उत्तरा देवी कुछ बहाना करके मुझे ले जाती है वहाँ से। भले ही फाल्गुनी पर बिजली गिरी और वो बच्चा बन गई, मगर इस बिजली का बड़ा झटका तो लगा है सुयश को, क्योंकि गायत्री की मौत के साथ फाल्गुनी का ये पागलपन किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।